हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आमिन कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिंगल एलिमेंट मेनी ट्रीटमेंट। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे डायबिटीज हमारे गांव-गांव में, घर घर में कैसे पहुंचा, क्योंकि डायबिटीज स्टार्टिंग में पहले नवाबों की बीमारी बोली जाती थी। नवाब, वो नवाब जो पेड़ा बर्फी को छील के खाते थे, कहावत थी कि भाई नवाबों की बीमारी। फ्रेंड, अब ये घर घर में, गांव गांव में पहुंची हुई है। अब इसका रीजन समझने के लिए हमको ही जानना पड़ेगा कि ये हमारे घर तक पहुंची कैसे। भाई, गांव में जो किसान है वो तो नवाब नहीं है, जो खेतों में काम कर रहा है वो तो नवाब नहीं है, क्योंकि डॉक्टर लोगों से जब बात करेंगे तो हमेशा लाइफस्टाइल की बात करते हैं। लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, सोने का तरीका अच्छा नहीं है, खाने का तरीका अच्छा नहीं है, कुछ भी खा लेते हैं, वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, स्ट्रेस बहुत है, शिफ्ट में काम करते हैं, फिर आपके जो टबेको और नशा करने वाले लोग हैं, सुरती खाने वाले लोग हैं, और नशा में आप देख लीजिए, कोई लिकर ले रहा है, कोई कुछ भी ले रहा है, कोई ड्रग्स ले रहा है, ये रीज़न अलग हो गया। ये रीज़न मेट्रोपॉलिटन सिटी के लोगों के लिए एकदम फिट बैठता है कि उनका वाकई लाइफस्टाइल चेंज हुआ, खाना पीना चेंज हुआ, प्योरिटी ख़त्म हो गई, तो डायबिटीज़ हो सकता है। फ्रेंड, बट गांव में कहां से आएगा ये? आप बिल्कुल इंटर गांव में जाएंगे, वहां भी आपको डायबिटीज पेशेंट मिलेगा। तो इसके पीछे, और ये बीमारी कैसी है, ये चोर बीमारी है। चोरी चोरी से आपके घर में, यानी कि बॉडी में घुसेगी, आपको मालूम पड़ते पड़ते ये पता लगा कि ये डायबिटीज हो गया, एक प्री डायबिटिक, एक डायबिटिक। तो फ्रेंड, ये हमारे समाज में ये इतनी तेजी से फैल रहा है कि हमारे पूरी आबादी का 11-15% हो गया ये डायबिटीज, और प्री डायबिटिक 35%। इसमें गांव, शहर, सब लोग, हर एज वर्ग के लोग इसमें सम्मिलित हैं। डॉक्टर क्या बोलता है, भाई जेनेटिक हो गया। भाई जेनेटिक क्यों हो गया? तो इसको जानने के लिए हमको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा फ्रेंड, कि ये चोर बीमारी हमारे घर में आई कैसे। तो अगर आप इतिहास में जाओगे तो 1903 में पहला सुगर मिल पातरपुरा उत्तर प्रदेश में जगह है डियर फ्रेंड, पहली सुगर मिल उत्तर प्रदेश के, इस समय उनका नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम है प्रयागराज, पातरपुरा जगह का नाम है, सबसे बड़ी सुगर मिल बनाई गई जो अंग्रेजों ने बनाया। उस समय ये सुगर मिल से जो चीनी निकलती थी, शुगर निकलती थी, वो फ्री में बांटते थे लोग कि अब खाओ, कैसा लगता है बताओ, ताकि तो लोग खरीदना शुरू करें। धीरे धीरे ये शुगर का चलन हमारे समाज में बढ़ता चला गया, चाय में शुगर, कॉफी में, मिठाइयों में, जो कि बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, हम खाते गए, क्योंकि हमारे बॉडी में एक पहला केमिकल सब्सटेंस वाला कोई चीज़ बॉडी में गया। नॉर्मली हम खाने की कोई भी चीज़ में हम केमिकल युक्त कोई चीज़ नहीं खाते, ये पहली चीज़ थी जो हमारे बॉडी में गई आज से 121 साल पहले गई। अभी चोर बीमारी घर में घुसी कैसा? भाई, घर में चोर तब आता है जब लोग घर में नहीं होते हैं, या घर में जो लोग हैं वो कमज़ोर होते हैं, तो चोर घुस के चोरी कर लेता है। तो सर फ्रेंड, हमारे घर से क्या बाहर आया? फ्लैग सीड, इसको हमारे यूपी में दो भाषा में बोलते हैं, एक तीसी बोलते हैं, पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल भाग में इसको तीसी बोलते हैं, वेस्टर्न यूपी में जाएंगे या रेस्ट ऑफ द इंडिया में जाएंगे इसको अलसी बोलते हैं, इंग्लिश में फ्लैक्सीड बोलते हैं। हम लोग फ्लैक्सीड प्रॉपर कंज्यूम करते थे, खेतों में उगाते थे, कोई पाउडर बना के ले रहा है, कोई ऑयल के फॉर्म में ले रहा है, बट हम लोग इसको रेगुलर अपने लाइफ में यूज करते थे। दूसरा, चीनी जब अंदर गई तो जैगरी, गुड़ बाहर आ गया हमारे घर से, गुड़ घरों में नहीं रहता अब, कभी कभी लोग यूज करते हैं। ये दो चीज जब आपके घर से बाहर आई तो डायबिटीज घुसी आपके घर में। डियर फ्रेंड, डायबिटीज एक सीवियर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। मेटाबॉलिक मतलब जो आप खाते हैं, जो आप पीते हैं, उसका केमिकल रिएक्शन होता है, उससे आपके बॉडी को एनर्जी मिलता है, यही है मेटाबॉलिज्म, जो एज के साथ कम भी होता है। ये मेटाबॉलिज्म जब डिस्टर्ब हुआ तो डायबिटीज आपको पकड़ना शुरू की, और धीरे 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 हमारे समाज के घरों में ये घुसना शुरू कर दी। क्यों?
फ्लैक्सीड बाहर हो गया, जैगरी गुड़ बाहर हो गया। लोग सब बातें करते हैं, ये हो गया, ये स्टाइल, वो स्टाइल, लेकिन कोई ये नहीं बोलता है कि भाई घर में गया कैसे ही है। अब आप सोचेंगे कि भाई दो चीज जो घर से बाहर गई क्यों, ये इसमें ऐसा क्या था कि हमको इतना दिनों तक ये बचा के रखा था। तो डियर फ्रेंड, आपको मैं पहले बताता हूं कि आपने अपने घर से क्या निकाला, फ्लैक्सीड क्या है। फ्रेंड, आप इसको देखिए धीरे धीरे कि ये फ्लैक्सीड में क्या चमत्कारी गुण थे और आपने कितनी बड़ी गलती की। फ्रेंड, फ्लैक्सीड में सबसे ज्यादा होता है ओमेगा 3, 50-60% ओमेगा 3 होता है। अब ओमेगा 3 करता क्या है, बीपी ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल करता है, ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, आपके ब्रेन को नरिश करता है, उसके बाद आपके आई फंक्शन को, आज की जो आई फंक्शन है उसको कंट्रोल करता है, अच्छे से मैनेज करता है, आपके आईज में आपके विजन लॉस को रोक के रखता है, अच्छे से आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो काफी इस तक। फिर आपके जो भूलने की बीमारी है, एजिंग के साथ भूलने की बीमारी है, लोग भूल जाते हैं, शॉर्ट मेमोरी वाले लोग, उनको काफी हद तक ये मेमोरी से लॉस से आपको बचाता है। डिप्रेशन, अस्थमा, श्वास संबंधी बीमारी, माइग्रेन और फिर डायबिटीज, डायबिटीज होने से भी यही ओमेगा 3 आपको बचा के रखता है। और आपने क्या किया, घर से बाहर निकाल दिया उसको। अब तो खेतों में किसान उगाते भी नहीं है, उसको ढूंढना पड़ता है। फिर आपका जो हार्ट अटैक होने का रिस्क है, आजकल देखिए कार्डियक अरेस्ट बहुत हो रहा है, कोई जिम में जा रहा है वहां गिर जा रहा है, कहीं काम करते करते धड़ाम से ना गिर जा रहा है, आजकल कॉमन हो गया। और एज ग्रुप, आपको एज ग्रुप नहीं रहा, किसी एज के ग्रुप को भी आ रहा है, क्यों, आपने ओमेगा 3 घर से बाहर खाके फेंक दिया। दूसरा, इसके अंदर जो केमिकल है वो है फैटी एसिड और लिनोलाइनिक एसिड आता है, ये दो और इसके अंदर पाए जाते हैं। ये करते क्या है फ्रेंड, ये दोनों जो केमिकल है, जो एसिड है, ये आपके हार्ट के रिदम को मेंटेन करते हैं। आपका हार्ट एकदम रिदम में रहेगा, कभी ज्यादा कभी कम, अपने आप फ्लैक्चुएट नहीं करेगा। अब आप समझ गए आपने कितनी बड़ी गलती की। अब इसका जो कंजप्शन, अब अमाउंट क्या है, आप कितना ले सकते हो, तो टेबल स्पून 2 बड़े चम्मच, एक दिन का डोज है 2 बड़े चम्मच। इसको पाउडर बना के आप गिलास में घोल के ले लीजिए, आप किसी भी चीज में इसको मिला के ले लीजिए, लेकिन ये 2 चम्मच होने चाहिए। उसके बाद आपने जो जैगरी गुड़ आपने जो घर से निकाला फ्रेंड, उसने आपका कितना बड़ा नुकसान किया। अब आप देखिए गुड़ करता क्या है कि आपके बोन हेल्थ को प्रॉपर रखता है, बोन हेल्थ को मेंटेन रखता है, नहीं कि आर्थराइटिस, ज्वाइंट डिजीज जो आजकल कॉमन हो गया है, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, पता नहीं क्या क्या। फिर आपका जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई करता है, खून को साफ रखता है। अगर आपको ज्वाइंटिस होने की बीमारी अगर आपके समाज में फैली हुई है तो ज्वाइंटिस से आपको बचा के रखता है। आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग रखता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में बना के रखता है, मजबूत रखता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है, पेट में अगर दर्द की समस्या है तो उसको समाधान करता है, सॉल्व करता है, और आपके शरीर में डाइजेस्टिव इंजाइम मतलब जो खाना पचाने का जो केमिकल होता है उसको प्रोड्यूस करता है, खाना पचाने में हेल्प करता है, और लीवर से टॉक्सिक बाहर निकालता है, लीवर को भी क्लीन करता है। एक लीवर क्लींजिंग एक तरह का समझ लीजिए सब्सटेंस है। हमने क्या किया, हमने इसे घर से बाहर निकाल दिया, शक्कर लेके आ गए। डियर फ्रेंड, डायबिटीज अगर होने का अगर कोई ऑर्गन इंचार्ज है, रिस्पॉन्सिबल है, तो वो है लीवर। लोग पेंक्रियास करते हैं, पेंक्रियास अपने आप में डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं जितना लीवर रिस्पॉन्सिबल है। आप देखिए कि आपका जो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि बदहजमी की बीमारी है, डायबिटीज बदहजमी की बीमारी है, क्योंकि ये सीवियर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। फ्रेंड, अब आप ये चीज समझ गए, अब क्या करना है आप डिसाइड करिए। आजकल देखेंगे कि गुड़ मिलना शुरू हो गया मार्केट में, जैगरी पाउडर, फ्लैक्सीड के ऑयल मिलने शुरू हो गए, डब्बे में भर भर के बेचते हैं लोग,
आप बोलो शुरू कर दिए खाना, गोली के फॉर्म में ले रहे हैं। जो 5 रुपए की चीज़ थी 50 रुपए मार्केट में मिल रही है। डियर फ्रेंड, इन चीज़ों को आप समझिए। नवाब के जैसे अगर डायबिटीज़ हो रही है तो अलग प्रॉब्लम है, लेकिन इन चीज़ों का इस्तेमाल आप धीरे धीरे शुरू करिए। और फ्लैक्सीड और फ्लैक्स ऑयल का जो इस्तेमाल है, ये हमारे भारत के उन स्टेट्स में ज़्यादा होता है जहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी ज़्यादा पड़ती है। यानी कि साउथ को छोड़ दीजिए, बाकी सारे ऊपर के जो हमारे एरिया हैं इंडिया के अपर पार्ट में, जैसे आप राजस्थान से लेकर के आप असम, मेघालय, मिजोरम से लेकर के ऊपर कश्मीर तक, इन चीज़ों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा गर्म होता है, ओमेगा थोड़ा गर्म होता है। डियर फ्रेंड, ओमेगा 3 का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, आजकल लोगों के इरेक्शन के प्रॉब्लम हो रहे हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर भी हो रहा है, इसमें भी आपको बहुत हेल्प करता है। डियर फ्रेंड, इन चीज़ों को अगर आप समझ गए हैं तो इसको धीरे धीरे अपने घर में लाना शुरू करिए, शक्कर को दूर रखिए। और अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। लीवर टॉनिक, जिसमें आपका ली 52 सिरप DS में लेना है आपको, एमली क्योर DS सिरप, या होम्योपैथी वाले अगर आपको अगर होम्योपैथी में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो लीफ टी सिरप आता है लीवर टॉनिक के लिए। तीनों में से कोई एक लेके आइए, सुबह शाम 10 ml, सुबह 10 ml शाम, नाश्ते के बाद, खाने के बाद आप चालू करिए। और अपने ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में विटामिन B12 और D3 को बिल्कुल मॉनिटर करना नहीं छोड़ना है आपको। आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपके जो ब्लड टेस्ट होते हैं उस ब्लड टेस्ट में विटामिन B12 और D3 हमेशा आप चेक करिए कि आपका कितना है, और उसको मेंटेन करिए। डायबिटीज़ से जो होने वाली बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम है, अगर आप इफेक्ट हो गया उसका तो फिर आप बचेंगे नहीं। जैसे अगर आईज़ में प्रॉब्लम हो गया डायबिटीज़ की वजह से, तो आई का जो विज़न है वो जाएगा, फिर कंट्रोल नहीं होगा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, आपके नसों में तकलीफ हो रही है, डायबिटिक न्यूरोपैथी डेवलप हो रहा है, आपके हाथ पैर कांपने शुरू हो गए, पैरों में दर्द हो रहा है, तो ठीक नहीं होगा। तो डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट से पहले हम बचें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने विटामिन B12 और D3 के जो आपके जो मात्राएं हैं शरीर में वो बराबर होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम बढ़ेगा। नॉर्मली हमारे यहाँ पास जो लोग भी आते हैं उनको विटामिन B12 D3 का ब्लड टेस्ट के बारे में पता ही नहीं, वो डॉक्टर कराते भी नहीं है और उनको पता भी नहीं, और हमेशा उनका जो डायबिटीज़ है वो फ्लैक्चुएट होते रहता है। तो D3 और B12 मॉनिटर करिए, डायबिटीज़ का जो भी मेडिसिन आप ले रहे हैं लेते रहिए, साथ में लीवर टॉनिक ज़रूर लीजिए। आपका क्या होगा कि मेडिसिन जो ले रहे हैं उसका जो कंजम्पशन है, क्वांटिटी है, वो कम हो जाएगा, आपका ऑर्गन फेल्योर से आप बचे रहोगे। डियर फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड और अपने सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि हम सारी बातें करते हैं, रूट की बात नहीं करते। इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।